हाय फ्रेंड्स, सो मैं हूं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इस रेड मूवी रिलीज होने में लगभग एक हफ्ते का वक्त बाकी है। 16 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसे में सवाल जरूर हो यही है कि क्या ये फिल्म 100 करोड़ कमाएगी। और इससे बड़ी चीज ये है कि ये कारनामा ऑलरेडी अजय देवगन ने 6 बार कर चुके हैं 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करते हुए। उनकी पिछली फिल्म की अगर बात ले लें हम, तो गोलमाल अगेन ने 206 करोड़ के ऊपर तक का कलेक्शन किया था, 206 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था, जो एक बेहतर कलेक्शन था। ऐसे में उम्मीद ये है कि उनकी बाकी आने वाली जो फिल्में हैं एटलीस्ट 100 करोड़ जरूर करें। और जहां तक बात करें हम रेड फिल्म के बारे में, स्टोरी बढ़िया, बहुत बढ़िया नजर आ रही है। एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, बहुत से इंसिडेंट को मिलाकर एक थोड़ा सा फिक्शन भी दिया गया है। गाने अभी तक बेहतर लगे हैं और डायलॉग बाजी कमाल की है। और अजय देवगन की फिल्म है और डायलॉग बाजी ना हो तो मजा नहीं आता है। हमें तो अपनों ने लूटा गया तो मैं कहां दम था। तो डायलॉग बाजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और अच्छी डायलॉग बाजी, और बाकी स्टोरी में दम है ही है। सौरभ शुक्ला है ही है, एक चोटी के कलाकार है अपने, बहुत दमदार कलाकार है, एनएसजी के कलाकार है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए कलाकार है। तो यार दम तो है और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। अब सौरभ शुक्ला वर्सेस अजय देवगन है इस फिल्म में, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर बने हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो यार ये पंगा कमाल का होगा, ये पब्लिक को पसंद आने वाला है। और इस यहाँ पे एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि मेरी सब शादी हुई वहीं से मैं अकेले वापस लौटा था, बिना वहीं से मैं खाली हाथ वापस लौटा था, बाकी कहीं और से नहीं। तो इसके डायलॉग बाजी बहुत बढ़िया है और लोगों को पसंद आ रही है। और मेरे ख्याल से जो फैंस हो गए जो उनको ऑलरेडी डायलॉग्स याद हो गए होंगे। अब यहाँ रहा सवाल कि क्या ये फिल्म 100 करोड़ कमाएगी, जरूर बताइएगा। आप लोगों से सवाल है क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्योंकि एक हफ्ते तक इसके साथ तो कोई कॉम्पीट नहीं कर रही फिल्म है, पहली बात तो कोई हिंदी फिल्म है, बड़ी हिंदी फिल्म है। उसके नेक्स्ट वीक में हिचकी है, और हिचकी अगर ज़्यादा टक्कर दी तो अलग बात, स्टिल मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते का एक अच्छा खासा गैप है जहाँ पर 100 करोड़ का एक जो बज़ है, जो 100 करोड़ के कलेक्शन वो आराम से बनता है। क्या लगता है आपको जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और क्या ये 7वीं फिल्म बन सकती है 100 करोड़ में जाने वाली अजय देवगन की, जरूर बताएगा। चलिए